आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पिक्चर लुकअप की। देखिए, जी सर। दो तरह की डेटा टाइप जो दिख पा रहे हैं, मैं दो तरह की रिपोर्ट बनाई हुई है। एक है हमारा सेल्स ऑफिसर वाइज, दूसरा है हमारा मंथ वाइज। दिख रहा है आपको? जी सर। ये है कि मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि सिलेक्ट यहाँ पे, और मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन में गया और डेटा वैलिडेशन में मैंने बनाया लिस्ट, और लिस्ट में यहाँ लिख दिया हमने नेम, एस ओ कर देता हूँ, सेल्स ऑफिसर एस ओ, हाँ नेम ही देता हूँ, नेम कॉमा मंथ। ठीक है, यहां से जी ड्रॉप, सर। तो मतलब ये हुआ कि मैंने इसको उठाया और इसको उठा के मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सीट पे गए और आपको बताया था पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। दिख रहा है जी सर। पिक्चर लिंक किया हमने। अब मैं चाहता हूं कि ये भी आए, इसी पोर्ट भी आए। जैसे अभी मान लीजिए नेम है तो यार, जैसे अभी सेल्स वाला है मंथ, तो ये मंथ वाला यहाँ नीचे आ जाए। जैसे कि मैं बताया था लास्ट क्लास में, हर एक सेल एक फॉर्मूला से कनेक्टेड होता है। इस फॉर्मूले में जी हमने सर। कर दिया कि यहाँ पे A14 से H22, सर। और यहाँ पे A14 से H22 अगर कर देता हूँ क्या हो जाएगा, तो मंथ रिपोर्ट आ जाएगी। आ गई, लेकिन जी सर। इतना इतना बड़ा रिजल्ट को हैंडल करना तो मुश्किल है ना। राइट सर। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक, जैसे कि मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या है K2 से लेके N9। तो अगर मैं डेटा यस सर। इसमें फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में जाके इसका एक नाम दे दिया, इसको मान लिया मैंने कर दिया SS, तो नेक्स्ट टाइम इसको SS के नाम से जाना जाएगा। एक शॉर्ट नेम हो गया, एक निक नेम हो गया। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और डिफाइन नेम में गया, इसका नाम दे दिया नेम। ठीक है, जी सर। इसका नाम दे देता हूं मंथ। मंथ, अब नेम और मंथ इसलिए किया क्योंकि ड्रॉप डाउन में सेम है, तो जो ड्रॉप डाउन में होगा ना, सेम स्पेलिंग और सेम सेम तरीके का नाम डिफाइन नेम आप कीजिएगा। यहां पे मैं जाता हूं और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम लिख के एंटर मारा तो नेम वाली रिपोर्ट आ गया, इसमें गया और मैं मंथ लिख के एंटर मारा तो मंथ वाली रिपोर्ट आ गया। जी सर। लेकिन मैं इसको जो है इससे लिंक करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जैन करूँ या यहाँ पे मंथ करूँ तो चेंज हो। जी सर। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपने मान लीजिए मैं A1 पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, 50 लिखता हूँ, राइट, राइट मैं A1 डायरेक्ट करके यहाँ यहाँ इक्वल डायरेक्ट, सॉरी A2 मान लीजिए, यहाँ पे A2 है ना, A2 कर दिया तो A2 का रिजल्ट 50 आ जाएगा। आ जाएगा, जी सर। आ जाएगा। मान लीजिए कि A2 कैलकुलेट होके यहाँ पे आया, K2 पे आया, K3 पे आया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूं, तो ये फॉर्मूला जो है इस A2 को ये रेफरेंस A2 समझ के 50 रिजल्ट दे, क्योंकि जी सर। ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तो एक्सेल इसको ये समझ ही नहीं रहा है कि K3 पे जो वैल्यू है उसको समझ रहा है कि वैल्यू एक एड्रेस नहीं है, इसलिए वो इसको लिंक ही नहीं कर पा रहा है। इसको लिंक करने के लिए हमें आता है फॉर्मूला इनडायरेक्ट का। क्या आता है? इनडायरेक्ट। अब लिंक हो गया। अब सेम प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं अगर इक्वल सम, अगर डायरेक्ट में यहाँ पे इक्वल मंथ करता हूं तो मंथ डेटा का सम दे देगा, दे दिया। राइट सर। मिल गया। अगर यही मंथ यहां पे लिखा हुआ है यहां से उठा ले तो ऐसा नहीं होगा, जीरो आएगा, आया रिजल्ट जीरो, समझे? सर। इनडायरेक्ट का जो फोकस था समझ में आया कि नहीं? तो सर। अगर मैं यहां पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, मतलब जो C4 जो है, C4 को हम इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर।
रिजल्ट आ गया 392। जी सर। क्लियर है? क्लियर सर। अब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अगर ऊपर में मैं सेम कंसेप्ट बनाता हूँ इसको, और ऊपर यहाँ मंथ को ना लिखते हम, अरे लिखेंगे ये हम सीधे ले लेंगे, किससे? इससे ले लेंगे सी। देखिए समझे, सी फोर से समझेगा ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या समझेगा? सी एस क्या कर देगा? जस्ट सी फोर ही दे देगा आपको। ठीक है आपको सर, फॉर्मूला समझा ही नहीं, यहाँ सी फोर है तो इसको भी यहाँ इनडायरेक्ट सी फोर कर दे। जी सर। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला आप किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस में नहीं दे सकते। जैसे वी लोग आपका पिवट हो गया या ए हो गया, आप इसके अंदर नहीं दे सकते। नया सर आपको समझ में आया सर? हम जैसे इनडायरेक्ट फॉर्मूला को हर जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अलग ही वैल्यूएशन देगा उस चीज की। हाँ मतलब यही इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर। जी सर। समझाया को प्रॉब्लम? तो ये डायरेक्ट रेफरेंस लेगा या डिफाइन नेम लेगा? जी सर। जो है डिफाइन नेम है कि आप मुझे कोई भी फॉर्मूला दे दो, तो मैं यहाँ पे SH के नाम से एक कोड बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल इनडायरेक्ट क्या कर दिया, इनडायरेक्ट, और इसके अंदर में हमने दे दिया C4। क्या दे दिया? C4। इनडायरेक्ट C4। ठीक है जी सर। अब मैं यहाँ पे इस एन के जगह पे कर दूंगा SH। क्या कर दिया? SH। अब मैं यहाँ में नेम किया करते ही इसको, और इसमें कोई कहने का नेम दे जे। ओके समझाया आपको कि नहीं सर? जी सर। क्लियर है? क्लियर है सर। यही नेमिंग मेथड थी हमारी, और जो मैंने ये बताया आपको कि एक एक करके वहां से लुकअप करना, तो वो चीजें भी जा सकती है, लेकिन वो आपको ज्यादा समझ में कब आएगा जब हम बात करेंगे फॉर्मूले के ऊपर, तो ये सब चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझे? ठीक है सर। जी सर। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, और वो जो बताई थी आपको फोटो वाली, जी सर, वो हो जाएगा आपसे कि नहीं? वही बताओ आप, हो जाएगा सर। वही इस जो मतलब फोटो कन्वर्जन और वी लुकअप वाला। हाँ, जो वी लुकअप लगा के फोटोज लेते हैं। हाँ फोटो एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सर, थोड़ा सा मतलब गूगल से फोटो चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों की फोटो में यहां से कॉपी कर देता हूं, और फोटो हमने ज्यादा नहीं, दो तीन करता हूं। ठीक है जी सर। तीन कर दिया। ठीक है जी सर। तो ऐसे नहीं रख सकता, मुझे इसको अरेंज करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया और यहाँ पे फोटो लिख दिया। ओके, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, और ये तो पहले से थोड़ा सॉरी। ठीक है सर। और जी सर, छोटा किया। याद रखिए फोटो आप ऐसा रखिए जो इसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है
क्योंकि आपका लुकअप जो है ना फोटो नहीं हो रहा है, वो सेल हो रहा है। हेलो ठीक है जी सर। नहीं होता है, क्या होता है? सेल होता है। सेल हो रहा है सर। अगर सेल से बाहर जाएगा तो फिर फोटो आपका लुकअप नहीं होगा। जी सर। हो गया। अब मैं यहाँ पे 101, 102 कर दिया, राइट? जी सर। मैं चाहता हूँ दूसरे किसी शीट में, इसी शीट में, कि मैं रोल नंबर 1 डाल, ठीक है? और यहाँ 1 का फोटो आ जाए, समझे? जी सर। तो मैंने डेटा में गया और इस सेल को लिया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहां पे आया, पेस्ट स्पेशल एज ए पिक्चर लिंक कर दिया, कर दिया हमने। जी सर। अब यहां पे B2 आ रहा है। जी सर। B3 करूं तो दूसरा फोटो आएगा, B4 करूं तो अगला फोटो आएगा, आएगा ना सर? जी सर। यहां पे मैं यहाँ पे 100 नंबर रोल नंबर है, तो यहाँ हम एक मैच का फॉर्मूला होता है, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे और डेटा शीट पे जाके लुकअप करेंगे कि कॉमा 0, तो क्या होगा, हर किसी का रोल नंबर दिख जाएगा। दिख गया सर? जी सर। आपको यहाँ ये तो है ही आपके पास, ये तो है, उसके साथ हमने क्या कर दिया, वो कंबाइन कर दिया, कर दिया। B2 आ गया, 101 क्या आ जाएगा, B3, 104 आ जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा सर। जी सर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस जो रिजल्ट है हमारा, इसको इनडायरेक्ट में रखेंगे, D7 को फ्रीज करते हैं, और इसको किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट में रखेंगे, इनडायरेक्ट। इस इनडायरेक्ट में रखने के बाद उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और क्या कर देंगे, डिफाइन नेम, डिफाइन नेम कर देंगे और यहां पे हम उसको फोर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इस फोटो में यहां जगह भी क्या कर देंगे, ठीक है, 101, 102, ठीक है, 100, ये फाइल भेज दूं आपको? हाँ जी सर, प्लीज। ठीक है, ये फाइल मैं आपको भेजता हूँ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर कल की क्लास में हम इससे आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। क्या ईमेल आईडी यही है नाम का, ईमेल आईडी कौन सा है? T-H-A-T-O-R-E सर, चैट कर देंगे T-4, एक मिनट सर, यस।